तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए एक तरह से वीडियो के अंदर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन विक चैप्टर फिफ्थ के बारे में दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है जॉन विक चैप्टर फोर्थ सुपर एक तरह से हिट रहा है इसके बाद जॉन विक फिफ्थ एक तरह से हाल ही के अंदर एक तरह से इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलने वाला है जो कुछ अपडेट निकल कर आई है टीजर ट्रेलर के बारे में सारे कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो चैट की निर्देशित और निर्मित है और शे हेटन और माइकल फिंच द्वारा लिखित है कि अगली कड़ी अध्याय तीन पैराबिलम दो और जॉन विक फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त फिल्म में कीनू रीव्स शीर्षक चरित्र के रूप में उनके साथ डॉनी एन बिल्स कासग लॉरेंस फिशबन हिरोयुकी सनाडा शामिया एंडरसन लांस हैं रेडिक रीना सवेयामा स्कॉट एडकिंस क्लैंसी ब्राउन और यान मैक्शन फिल्म में जॉन विक हाई टेबल और उन लोगों से बदला लेने के लिए निकलता है जोने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था मई 2019 में लायंस गेट द्वारा औपचारिक रूप से घोषित चौथी जॉन विक फिल्म के विकास की पुष्टि इसके पूर्ववर्ती की रिलीज से पहले की गई थी ये फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसे फ्रेंचाइज निर्माता डेरिक कोलेस्टेड ने नहीं लिखा है मई 2020 में हैटन को काम पर रखा गया उसके बाद मार्च 2021 में फिंच को काम पर रखा गया मुख्य फोटोग्राफी जून से अक्टूबर 2021 तक हुई और फिल्मांकन स्थानों में फ्रांस जर्मनी शामिल थे न्यूयॉर्क शहर और जापान 21 मई 2021 की मूल रिलीज तिथि में कोविड 19 महामारी के कारण देरी हुई सात जॉन विक चैप्टर चार का प्रीमियर 6 मार्च 2023 को लंदन के ओडियन लक्स लिसिस्टर स्क्वायर में हुआ और 24 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को अपने एक्शन दृश्यों सिनेमेटोग्राफी के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली कोरियोग्राफी दृश्य शैली और प्रदर्शन और इसने दुनिया भर में चार डॉलर एक मिलियन की कमाई की है जो इस फ्रेंचाइजी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू स्तर पर वर्ष की नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है एक स्पिन ऑफ जॉन विक प्रेजेंट्स बैलरीना 6 जून 2025 को रिलीज के लिए तैयार है जबकि पांचवी फिल्म विकास में है कथानक न्यूयॉर्क शहर में जॉन विक बोवरी किंग के साथ भूमिगत छिपते हुए हाई टेबल के खिलाफ प्रतिशोध लेने की तैयारी करता है वो मोरक्को की यात्रा करता है और मेज के ऊपर बैठने वाले बुजुर्ग को मार डालता है जवाब में हाई टेबल के सदस्य मार्क्विस विंसेंट बिसेड्डी ग्रामोट ने न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन और उनके दरबान चारोन को बुलाया जहां उन्होंने बताया कि हाई टेबल ने उन्हें जॉन को मारने के लिए असीमित संसाधन दिए हैं और पहले ऐसा करने में विफल रहने के लिए विंस्टन को दंडित किया सजा के रूप में मार्क्विस ने विंस्टन से उसके प्रबंधकीय कर्तव्य छीन लिए उसे बहिष्कृत घोषित कर दिया न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को नष्ट कर दिया और चारों को मार डाला इसके बाद मार्क्विस अपने पुराने दोस्त जॉन को मारने के लिए केन एक अंधे सेवानिवृत्त हाई टेबल हत्यारे को शामिल करता है और केन की बेटी की हत्या की धमकी देता है जॉन अपने दोस्त शिमाजू कोजी द्वारा संचालित ओसाका कॉन्टिनेंटल में शरण लेता है मार्क्विस की दूसरी कमान वाली चिडी हाई टेबल हथियारों और केन द्वारा समर्थित होटल की जांच करने के लिए आती है कोजी की बेटी अकीरा जो कि होटल की दरबान है हाई टेबल द्वारा होटल को अपवित्र करने से ठीक पहले खाली कर देती है जिससे हाथापाई शुरू हो जाती है जॉन बख्तरबंद हथियारों की लहरों से लड़ता है जिससे केन के खिलाफ लड़ाई होती है मिस्टर नोबडी नाम का एक इनामी शिकारी उनकी लड़ाई में बाधा डालता है और जॉन को मारने के लिए मौज दा इनाम को अपर्याप्त निर्धारित करने के बाद जॉन को भागने की अनुमति देता है घायल कोजी जॉन की ओर से केन पर बार बार हमला करता है जब तक कि केन अनिच्छा से कोजी को मार नहीं देता लेकिन अकीरा को बख्श देता है जॉन न्यूयॉर्क लौटता है और चारों की कब्रगाह पर प्रतिशोधी विंस्टन से मिलता है विंस्टन का सुझाव है कि जॉन मार्क्विस को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने के लिए एक पुरानी हाई टेबल परंपरा का आह्वान करता है जीत से जॉन हाई टेबल के सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा लेकिन वह केवल एक अपराध परिवार की ओर से द्वंद्व का अनुरोध कर सकता है जॉन पुन प्रवेश का अनुरोध करने के लिए रुस्का रोमा अपराध सिंडिकेट के बलिन मुख्यालय की यात्रा करता है जिसके साथ उसने संबंध तोड़ दिए थे उनकी दत्तक बहन कटिया का कहना है कि पुन प्रवेश के लिए जॉन को हाई टेबल सदस्य किला हरकन को मारना होगा जिसे उसके पिता की हत्या के लिए मार्क्विस द्वारा भुगतान किया गया था किला उसके नाइट क्लब पर घात लगाता है लेकिन केन और मिस्टर नोबड़ी की मदद से जॉन उसे मारने और अपना रुतबा वापस पाने में कामयाब हो जाता है विंस्टन ने जॉन के दूसरे के रूप में अभिनय करते हुए मार्क्विस को जॉन की चुनौती दी और अनुरोध किया कि यदि जॉन जीतता है तो उसका बहिष्कार रद्द कर दिया जाए और न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल का पुनर्निर्माण किया जाए जो पूरी तरह से हाई टेबल रद्द बारह वित्तपोषित हो हालांकि अगर जॉन हार जाता है तो विंस्टन भी चुनौती देने वाले के दूसरे के रूप में मर जाएगा पेरिस में टेबल के दूत हार्बिंग द्वारा संचालित एक बैठक में जॉन और मार्क्विस द्वंद्व के मापदंडों पर निर्णय लेते हैं अगले दिन सैक्रे कूर में सूर्योदय के समय पिस्तौल से द्वंद्वयुद्ध मार्क्विस एक अनिच्छुक कैन को उसकी जगह लेने के लिए नामांकित करता है जबकि हार्बिंगर चेतावनी देता है कि जॉन और विंस्टन दोनों को फांसी दे दी जाएगी या तो समय पर उपस्थित होने में विफल होना चाहिए बोवेरी किंग जॉन को एक पिस्तौल 9 मिलीमीटर mm पिट वाइपर और एक नया बैलिस्टिक सूट देने के लिए पेरिस आता है मार्क्विस का इरादा जॉन पर 26 मिलियन डॉलर का इनाम रखकर उसे द्वंद्वयुद्ध में समय पर पहुंचने से रोकना है जॉन सैक्रेकूर के रास्ते में हथियारों की भीड़ से लड़ता है जिसमें मिस्टर नोबडी भी शामिल है जो इनाम को चालीस डॉलर मिलियन तक बढ़ाने के लिए बातचीत करता है उनके टकराव के दौरान जॉन चिडी को मिस्टर नोबडी के कुत्ते को मारने से रोकता है जिसके कारण मिस्टर नोबडी जॉन का पीछा करना छोड़ देता है केन और मिस्टर नोबडी द्वारा कई हथियारों से लड़ने में जॉन की सहायता करने के बाद जिसमें चिडी भी शामिल है जिसे मिस्टर नोबडी ने रूए फोइटियर पर मार डाला वे द्वंद्व के लिए ठीक समय पर शिखर पर पहुंच गए जॉन और केन ने द्वंद्वयुद्ध के दो राउंड में एक दूसरे को घायल कर दिया और तीसरा राउंड रुक गया जब केन ने जॉन को गंभीर रूप से घायल कर दिया तख्तापलट के प्रशासन के अधिकार की मांग करते हुए मार्क्विस उत्सुकता से केन के साथ स्थानों की अदला बदली करता है विंस्टन ने मार्क्विस को उसके अहंकार के लिए डांटा ये खुलासा करते हुए कि जॉन ने अभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है इसके बाद जॉन तुरंत मार्क्विस पर हेडशॉट मारकर द्वंद्व समाप्त कर देता है हार्बिंग केन और जॉन को हाई टेबल से आजादी देता है और विंस्टन को न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के होटल मैनेजर के पद पर बहाल करता है जिसे हाई टेबल के फंड से फिर से बनाया जाएगा जॉन स्पष्ट रूप से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले अपने जीवन और विवाह पर विचार करता है कुछ समय बाद न्यूयॉर्क वापस आकर विंस्टन और बोवेरी किंग ने जॉन को उनकी पत्नी हेलेन की कब्र के बगल में स्थल त उनकी कब्र पर विदाई दी ए क्रेडिट के बाद के दृश्य में केन अपनी बेटी के साथ पुनर्मिलन के लिए पेरिस लौटता है लेकिन एक प्रतिशोधी चाकूधारी अकीरा उससे संपर्क करती है कास्ट करें जॉन विक के रूप में कीनू रीव्स एक पेशेवर हिटमैन और हत्यारा है जिसने अपने कौशल के लिए एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा हासिल की है और अब हाई टेबल द्वारा उसका शिकार किया जा रहा है तेरह चौदह केन के रूप में डॉनी यैन एक अंधा हाई टेबल हत्यारा और जॉन विक का पुराना दोस्त जिसे अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जॉन विक को मारने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर होना पड़ा मार्क्विस विन्सेंट बिसेडी ग्रामोट के रूप में बिल्स कासगर्ड मुख्य प्रतिपक्षी और हाई टेबल का एक शक्तिशाली सदस्य है जिसकी स्थिति को जॉन विक द्वारा चुनौती दी गई है बोवरी किंग के रूप में लॉरेंस फिशबन एक पूर्व भूमिगत अपराध मालिक जिसे हाई टेबल ने मृत समझकर छोड़ दिया था और अब वो जॉन विक को प्रायोजित कर रहा है पंद्रह शिमाजु कोजी के रूप में हिरोयू की सनाडा ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल के प्रबंधक और जॉन विक और केन के पुराने दोस्त सोलह मिस्टर नोबडी द ट्रैकर के रूप में शमिया एंडरसन विक का पीछा करने वाला एक इनामी शिकारी न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में दरबान चारोन के रूप में लांस रेडिक शिमाजु अकीरा के रूप में रीना स्वेयामा कोजी की बेटी और ओसाका कॉन्टिनेंटल की दरबान सत्रह अठारह चिडी के रूप में मार्को जारोर डी ग्रामोड के दूसरे इन कमांड और विरोधियों में से एक उन्नीस जर्मन टेबल के प्रमुख किला हरकन के रूप में स्कॉट एडकिंस बीस अग्रदूत के रूप में क्लैंसी ब्राउन हाई टेबल का एक उच्च रैंकिंग संचालक इक्कीस विंस्टन स्कॉट के रूप में इयान मैक्शेन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के प्रबंधक और जॉन विक के मित्र बाईस नतालिया टेना ने जॉन विक की दत्तक बहन कटिया का किरदार निभाया है तेईस और जॉर्ज जॉर्जियो एल्ड के रूप में दिखाई देते हैं वह जो टेबल के ऊपर बैठता है जॉन विक चैप्टर तीन पैराबिलम 2019 हजार उन्नीस मैसेद ताघमोई द्वारा निभाए गए चरित्र की तुलना में जॉर्जियो एक अलग चरित्र को चित्रित करता है 24-25 पहली फिल्म के संग्रह फुटेज के माध्यम से ब्रिजट मोएनाहन जॉन की दिवंगत पत्नी हेलेन के रूप में दिखाई देती हैं 26. स्वेन मार्क्वाट एक कुख्यात जर्मन बाउंसर क्लाउस नाम के रुस्का रोमा सदस्य के रूप में दिखाई देता है सत्ताईस अट्ठाईस सेवानिवृत्त सुमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो और हिशोफुजी हिरोकी ओसाका कॉन्टिनेंटल द्वारपाल के रूप में उपस्थित हुए उनतीस तीस उत्पादन विकास 20 मई 2019 को लायंस गेट ने अपने ऑप्ट इन जॉन विक टेक्स्ट अपडेट सेवा के माध्यम से जॉन विक अध्याय चार की घोषणा करते हुए लिखा आपने सेवा की है आप सेवा में रहेंगे जॉन विक अध्याय चार आ रहा है 21 मई 2021 31 अगस्त 2020 की शुरुआत में लायंस गेट के सीईओ जॉन फेलथाइमर ने एक कमाई कॉल के दौरान कहा हम अपने जॉन विक एक्शन फ्रेंचाइज़ की अगली दो किस्तों के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने में भी व्यस्त हैं जॉन विक चार मेमोरियल डे सप्ताहांत दो में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है हमें उम्मीद है कि जब कीनू अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगा तो हम जॉन विक चार और पांच दोनों को एक के बाद एक शूट करेंगे बत्तीस तैंतीस तीसरी फ़िल्म की रिलीज से पहले निर्देशक चैट स्टैल्सकी ने रेडिट ए थरेड पर पुष्टि की कि एक और फिल्म के लिए चर्चा हुई थी और तीसरी फिल्म सफल होने पर वो इस परियोजना में शामिल होंगे चौंतीस पैंतीस उस समय इस घोषणा के बावजूद ये पुष्टि नहीं हुई थी कि स्टार कीनू रीव्स नई किस्त के लिए वापस आएंगे या नहीं हालांकि उन्होंने जीक्यू को बताया कि जब तक दर्शक चाहेंगे तब तक वो इस भूमिका को निभाते रहेंगे उन्होंने कहा जहां तक मेरे पैर मुझे ले जा सकते हैं जहां तक दर्शक जाना चाहते हैं इकतीस स्टेल्सकी ने बाद में इंडीवायर के साथ एक साक्षात्कार में चौथी फिल्म को चिढ़ाते हुए कहा कि विक चौथी फिल्म को सुखद अंत के साथ समाप्त नहीं करेगा ये कहते हुए जॉन इस सब बकवास से बच सकता है लेकिन इसके अंत में कोई सुखद अंत नहीं है उसे मिल गया है कहीं नहीं जाना है ईमानदारी से मैं अभी आपको चुनौती देता हूं यहां आपके लिए एक प्रश्न है आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे समाप्त करूं क्या आपको लगता है कि वो अंततः सूर्यास्त में चला जाएगा उसने तीन सौ लोगों को मार डाला है और वो बस जा रहा है चले जाओ सब कुछ ठीक है क्या वो किसी प्रेमिका के प्यार में पड़ने वाला है उसका बाकी जीवन बस समय की बात है इकतीस छत्तीस इसके अतिरिक्त स्टेल्सकी ने चौथी फिल्म में विंस्टन के भाग्य को चिढ़ाते हुए कहा उसका इरादा उसे गोली मारने का था क्या उसका इरादा उसे मारने का था यह व्याख्या के लिए खुला है आप इसे दो तरीकों में से एक में ले सकते हैं और ये दयालु है जहां से हम जॉन विक चार में कुछ अनुतरित प्रश्न उठाते हैं सैंतीस स्टूडियो ने श्रृंखला निर्माता डेरिक कोलस्टिज से आगे बढ़ने का विकल्प चुना और इसके बजाय मई 2020 में स्क्रिप्ट लिखने के लिए शे शेहैटन को काम पर रखा अड़तीस उनतालीस फरवरी में स्टेल्सकी ने फिल्म लिखने के लिए रिकी स्टॉब और डैन वाल्सर को बोर्ड पर लाया उनकी फिल्म कंक्रीट काउबॉय से प्रभावित हूं चालीस मार्च दो में पटकथा लेखन का कार्यभार प्रीडिट्स के पटकथा लेखक माइकल फिंच को सौंप दिया गया इकतालीस लेखन फिल्म का लेखन शे हैटन और माइकल फिंच के हाथों में सौंपा गया था लूप पत्रिका द्वारा फिंच के साथ एक साक्षात्कार में फिंच ने कहा कि पिछली कई फिल्में थीं जिन्होंने उनके लेखन को प्रभावित किया था इसमें से बहुत कुछ चैट के अन्य फिल्मों फिल्म की अन्य शैलियों से प्रेरित होने से शुरू होता है चाहे वह वंस अपॉन ए टाइम इन द हो वेस्ट द गुड द बैड एंड द अग्ली या फिर यह बुलेट या डर्टी हैरी या जाटोइची फिल्म हो बयालीस डॉनी द्वारा निभाई गई अंधे हत्यारे की भूमिका ज़तोइची के चरित्र पर केंद्रित जापानी फ लम श्रृंखला में अंधे तलवारबाज का संदर्भ देती है बयालीस किरदार किला हरकन का नाम बलिन स्थित तुर्की रैपर किला हाकन का संदर्भ है तैंतालीस चौवालीस कास्टिंग जब चौथी फिल्म की घोषणा की गई तो रीव्स ने जॉन विक चार और द मेट्रिक्स रिस्ट्रक्शंस के लिए अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की सूचना दी 45 मई 2021 में ये घोषणा की गई थी कि रीना स्वयामा जॉन विक चैप्टर चार में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करेंगी 18 उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि इस भूमिका के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कोरियोग्राफी कर सके और स्टेल्सकी ने एक्सेस और बैड फ्रेंड के लिए उनके संगीत छियालीस वीडियो देखे थे जिनमें क्रमशः नृत्य और लड़ाई शामिल थी सैंतालीस अगले महीने लॉरेंस फिशबन अड़तालीस हिरोयुकी सनाडा उनचास डॉनी एन पचास बिल्स कासगर्ड इक्यावन शामिया एंडरसन बावन और स्कॉट एडकिंस को फिल्म में लिया गया तिरपन संदा को शुरू में अध्याय तीन में जीरो का किरदार निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन एचली स्टैंडन की चोट के कारण उसे छोड़ दिया गया चौवन पचपन जुलाई 2021 में लांस रेडिक को चारोन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई छप्पन और इयान मैक्शन को विंस्टन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई बाइस क्लेंसी ब्राउन अगस्त में कलाकारों में शामिल हुईं सत्तावन सेट डिज़ाइन और हथियारों का चयन फिल्म में इस्तेमाल किए गए अधिकांश हथियार स्टॉक और कस्टम हथियार डिज़ाइन फर्मों से चुने गए थे और फिल्मांकन से पहले ही अस्तित्व में थे अट्ठावन डी ग्रामोट ने सैक्रेकूर में सूर्योदय के दृश्य में 20वीं -20 सदी के उन्नत थॉम्पसन सेंटर दावेदारों का उपयोग करते हुए एक द्वंद्वयुद्ध में अपने स्थान पर लड़ने के लिए एक अनिच्छुक कैन को नामांकित किया उनसठ बोवेरी किंग जब पेरिस पहुंचते हैं तो जॉन को टीटीआई द्वारा निर्मित एक कस्टम 21 राउंड पिट वाइपुर पिस्तौल सौंपते हैं अट्ठावन साठ फिल्म की शुरुआत में केन के चरित्र को जौहरी काल एफ बुचेर की एक भव्य सोने की घड़ी को संभालते हुए दिखाया गया है जिसमें सोने के केस बंद करने वाले ढक्कन के अंदर उसकी बेटी की छवि है इकसठ रीव्स द्वारा सहलिखित एक हास्य पुस्तक श्रृंखला बी आर जेड आर मार्च 2021 में शुरू होकर अक्टूबर 2023 में समाप्त होने वाली तीन खंडों में प्रकाशित हुई थी एक सौ निन्यानवे अंक हैश एक की छह सौ पंद्रह शून्य 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 से अधिक प्रतियां बिकी जिससे ये स्टार वार्ज हैश के बाद सबसे अधिक बिकने वाला एकल अंक बन गया 2015 में एक दो सौ दो सौ एक श्रृंखला को सकारात्मक समीक्षा मिली खंड एक को बीस आलोचकों से आठ दशमलव पाँच दस का औसत समीक्षा स्कोर प्राप्त हुआ खंड दो को पंद्रह आलोचकों से औसत समीक्षा स्कोर आठ एक बटा दस प्राप्त हुआ और खंड तीन को औसत समीक्षा स्कोर प्राप्त हुआ समीक्षा एग्रीगेटिव वेबसाइट कॉमिक बुक राउंडअप पर तेरह आलोचकों से औसत समीक्षा स्कोर सात छह बटा दस है 202 मिलियन 203,204 हंड्रेड टॉमलिन द्वारा लिखित और रीव्स द्वारा निर्मित और अभिनीत एक फिल्म रूपांतरण नेटफ्लिक्स के लिए विकास में है जिसमें रीव्स निर्देशन की संभावना के लिए तैयार हैं 205,206 फिल्म की रिलीज के बाद प्रोडक्शन आईजी द्वारा निर्मित दो सीजन की एनिमे श्रृंखला की योजना बनाई गई है जिसमें रीव्स बी के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराएंगे 207 जुलाई और नवंबर 2023 में बूम स्टूडियोज ने रीव्स द्वारा सह-लिखित डारके आर की दो एक शॉर्ट स्पिन ऑफ कॉमिक्स प्रकाशित की जिनका शीर्षक क्रमशः पोएट्री ऑफ मैडनेस दो और फॉलनर एम्पायर दो था 208,209 2002 में रीव्स बैंड डॉकस्टार के अंतिम प्रदर्शन के बाद के वर्षों में वो और अन्य सदस्य कभी कभी सिल्वर लेक में ड्रमर रॉबर्ट मेलहाउस के घर पर जाम सत्र के लिए मिलते थे मार्च 2020 में कोविड 19 महामारी की शुरुआत ने रीव्स और अन्य सदस्यों को संगरोध में एक साथ खेलने में अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित किया धीरे धीरे वास्तविक रिकॉर्डिंग सत्र शुरू हुए बैंड ने अंततः सामग्री को एक एल्बम में बदलने में मदद करने के लिए निर्माता डेव ट्रम्फियो को शामिल किया 210 जुलाई 2022 में डॉक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में घोषणा की गई हम वापस आ गए 210 मई 2023 में बैंड ने बॉटलरॉक नापा वैली संगीत समारोह में 20 वर्षों में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया 211 सौ ग्यारह दो महीने बाद बैंड ने अपने आगामी तीसरे एल्बम समवेयर बिटवीन द पावर लाइन्स एंड पाम ट्रीज के समर्थन में एकल एवरीथिंग टर्न्स अराउंड जारी किया जो 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ रीव्स और बैंड ने एक शुरुआत की एल्बम के समर्थन में उत्तरी अमेरिका और जापान में 25 तारीख का दौरा 10 अगस्त से हरमोसा बीच कैलिफोर्निया में शुरू होगा 212 मिलियन 213,214 रीव्स राइड विद नॉमन रीज दो के सीजन 6 प्रीमियर एपिसोड के लिए विशेष अतिथि के रूप में दिखाई दिए जिसका शीर्षक था द दे यूटा डेजर्ट विद कीनू रीव्स 215 उस वर्ष बाद में वह हुलू और डिज्नी जोड़ के लिए चार भाग वाली वृचित्र श्रृंखला ब्रॉन द इम्पॉसिबल फार्मूला एक स्टोरी के मेजबान और कार्यकारी के रूप में दिखाई दिए 216 जनवरी 2024 में रीव्स ने घोषणा की कि वह सट्टा कथा लेखक चाइना में के साथ द बुक ऑफ एल्सवेयर नामक एक नई पुस्तक का सहलेखन कर रहे हैं यह पुस्तक रीव्स की कॉमिक बुक श्रृंखला बी आर जेड आर, आर के समान ब्रह्मांड में घटित होती है और जुलाई 2024 में डेल रे बुक्स और बूम द्वारा रिलीज के लिए निर्धारित है स्टूडियो दो सौ सत्रह ब्लडलाइंस श्रृंखला का दूसरा खंड जिसका शीर्षक एफ एस फुल ऑफ बुलेट्स है जैसन आरोन के लेखन और फ्रांसिस्को मन्ना की कला के साथ जारी किया गया था ये श्रृंखला के लिए एक स्टैंडलोन पश्चिमी कहानी होगी और जून 2024 में रिलीज के लिए तैयार है 218,219 2023 में रीव्स को सेट रोजेन और अजीज अंसारी के साथ उनके निर्देशन में बनी पहली फ़िल्म गुड फॉर्च्यून में कास्ट किया गया था 220 परियोजना की शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हुई केके के पामर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ख़ुलासा किया कि वो उसी महीने कलाकारों के हिस्से के रूप में रीव्स में शामिल हुई थीं 221 रीव्स को 2023 में एप्पल टीवी जोड़ के लिए जोना हिल की आगामी ब्लैक कॉमेडी फ़िल्म आउटकम में रीव के रूप में कास्ट किया गया था जिसका फ़िल्मांकन मार्च दो में शुरू होने वाला था 222,223 हंड्रेड ट्वेंटी उस समय कैम्ब्रून डियाज ने अभिनय के लिए उन्नत बातचीत की थी फिल्म में रीव्स के विपरीत 224 कुछ दिनों बाद डियाज को कलाकारों में शामिल होने के लिए साइन किए जाने की पुष्टि हुई मैट बोमर रीव्स के साथ एक और अज्ञात भूमिका में शामिल हुए 225 सौ पच्चीस फिल्मांकन बीस 20 मार्च दो को शुरू हुआ जिससे फीलिंग मिनेसोटा उन्नीस के बाद पहली बार रडियाज और रीव्स एक साथ किसी फिल्म में दिखाई देंगे टू हंड्रेड में जॉन विक की स्पिन ऑफ फिल्म बैलरिना में रीव्स फ्रेंचाइजी के मुख्य किरदार के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं 229,230 हंड्रेड ट्वेंटी वितरक लायंस गेट द्वारा जॉन विक के पांचवें सीक्वल की योजना बनाई गई थी 231,232 हंड्रेड लेकिन फ्रेंचाइजी निर्देशक चैट स्टेल्सकी ने कहा कि वह फिलहाल फ्रेंचाइजी को आराम देना चाहेंगे दो व्यक्तिगत जीवन उन्नीस में रीव्स की मुलाकात निर्देशक डेविड लिंच के सहायक जेनिफर सिमे से उनके बैंड डॉग स्टार के लिए आयोजित एक पार्टी में हुई और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी दो सौ दिसंबर उन्नीस को साइन ने आठ महीने की गर्भावस्था के बाद दंपति के बच्चे को जन्म दिया जो मृत पैदा हुआ था कुछ सप्ताह बाद ये जोड़ी टूट गई लेकिन बाद में सुलह हो गई 235 सौ दो अप्रैल 2001 को साइमी की मृत्यु हो गई जब उसका वाहन लॉस एंजल्स में काहुएंगा बुलेवार्ड पर खड़ी तीन कारों से टकरा गया सिमें विकलांग था और उसे बेल्ट भी नहीं बांधा गया था 236,237 रीव्स ने जांचकर्ताओं को बताया कि वे वापस एक साथ थे 235 और दुर्घटना से एक दिन पहले सैन फ्रांसिस्को में एक साथ दोपहर का भोजन किया था 236 रीव्स ने साइम के लिए एक संरक्षक के रूप में काम किया 236 जिसे उनकी बेटी के बगल में दफनाया गया था 238 सौ अड़तीस के मित्र ब्रेड डोमरोज के अनुसार वह अगले वसंत में द मैट्रिक्स के सीक्वल की शूटिंग करने वाले थे लेकिन उन्होंने शांति और समय की मांग की 236 रीव्स का लंबे समय से मित्र और फिल्म निर्माता ब्रेंडा डेविस से भी रोमांटिक संबंध रहा है जिनके बच्चे के वह गॉडफ़ादर हैं 239 मिलियन 240,000 241 और मॉडल अभिनेत्री चाइना चाओ दो चार दो दो चार तीन दो शून्य शून्य नौ में रीव्स की मुलाकात एलेक्जेंड्रा ग्रांड से एक डिनर पार्टी में हुई उन्होंने दो पुस्तकों पर एक साथ सहयोग किया 244,245 उन्होंने नवंबर 2019 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया तीन एक दो चार रीव्स अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में विवेकशील हैं और कहते हैं कि यह कुछ व्यक्तिगत और निजी है दो जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो उन्होंने कहा कि वह ईश्वर विश्वास आंतरिक विश्वास स्वयं जुनून और चीज़ों में विश्वास करते हैं और वह बहुत आध्यात्मिक हैं 248 सौ अड़तालीस हालांकि वह औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म का पालन नहीं करते हैं लेकिन इस धर्म ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी है खासकर लिटिल बुद्धा के फिल्मांकन के बाद तिरसठ उन्होंने कहा ज्यादातर चीजें जो मैं बौद्ध धर्म से लेकर आया हूं वे मानवीय हैं भावनाओं को समझना नश्वरता और अन्य लोगों को समझने की कोशिश करना और वे कहां से आ रहे हैं डॉनी एन जी डैन एक तीन चीनी जैजीदान जन्म 27 जुलाई उन्नीस एक हांगकांग अभिनेता फिल्म निर्माता मार्शल कलाकार और एक्शन निर्देशक हैं जो अपनी मार्शल आर्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं चार पांच वो एशिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं छह सात ग्वांगडोंग में जन्मे यैन ने कम उम्र में मार्शल आर्ट में रुचि विकसित की और ताइची और अन्य पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सहित विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया अठारह साल की उम्र में उन्होंने हांगकांग में एक्शन कोरियोग्राफर यूएन वूपिंग के लिए ऑडिशन दिया उन्हें अपनी पहली अभिनीत भूमिका उन्नीस की हांगकांग मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म रंकन ताइची में मिली उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना दो उन्नीस में जेट में के विपरीत प्रतिपक्षी जनरल नैप लैन के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई उन्नीस में उन उन्होंने एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म लीजेंड ऑफ द वर्ल्व से निर्देशन की शुरुआत की येन ने अपना अमेरिकी डेब्यू हाईलैंडर एंड गेम 2000 में किया उसके बाद ब्लेड दो 2002 में एक कैमियो किया वो 2000 के दशक में हांगकांग सिनेमा में सक्रिय रहे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वुक्सिया फिल्म में हीरो 2002 में प्रतिपक्षी लॉन्ग स्काई के रूप में एक बार फिर ली के सामने दिखाई दिए 2003 में येन ने अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म शंघाई नाइट्स में जैकी चैन के साथ प्रतिपक्षी वू चाओ की भूमिका निभाई बाद में वह अमेरिकी फिल्मों रॉगवन दो हजार सोलह एक्स रिटर्न ऑफ जैंडर केज दो मोलान दो और जॉन विक चैप्टर चार 2023 में दिखाई दिए टेलीविजन में यन ने टेलीविजन श्रृंखला फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चैन जैन के रूप में अभिनय किया बाद में उन्होंने 2010 की फिल्म लीजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चैन जैन में चैन जैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई चीन में विंग चुन को लोकप्रिय बनाने में योगदान के लिए यैन को कई लोगों द्वारा श्रेय दिया जाता है आठ नौ उन्होंने आईपी मैन फिल्म श्रृंखला में विंग चुन ग्रैंडमास्टर आईपी मैन की भूमिका निभाई आईपी मैन 2008, आईपी मैन दो 2010 हजार दस आईपी मैन तीन दो और आईपी मैन चार द फिनाले 2019 प्रारंभिक जीवन येन का जन्म 27 जुलाई उन्नीस को गुआंगजो गुआंगडोंग चीन में हुआ था उनकी माँ बो सिम फू फूस्टाइल वुडांगवान आंतरिक मार्शल आर्ट और ताइची ग्रैंड मास्टर हैं जबकि उनके पिता क्लिस्टर येन जे यू लोंग एक अखबार के संपादक थे दस जब वो दो साल के थे तो उनका परिवार हांगकांग चला गया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया जब वो ग्यारह साल के थे और बोस्टन में बस गए ग्यारह उन्होंने न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की बारह गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता उनकी छोटी बहन क्रिस यन भी एक मार्शल कलाकार और अभिनेत्री हैं और 2007 की फिल्म एडवेंचर्स ऑफ जॉनी ताओ रॉक अराउंड द ड्रैगन में दिखाई दी छोटी उम्र में अपनी मां के प्रभाव में येन ने मार्शल आर्ट में रुचि विकसित की और ताइची और अन्य पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सहित विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया तेरह सोलह साल की उम्र में यन ने वुशु का अभ्यास करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता ने उसे बीजिंग वुशु टीम के साथ प्रशिक्षण के लिए बीजिंग भेजा तेरह अठारह साल की उम्र में जब यन अपने परिवार से मिलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट रहा था तो वह हांगकॉग में रुका जहां उसकी मुलाकात एक्शन कोरियोग्राफर यूएन वूपिंग से हुई और उसने उसके लिए ऑडिशन दिया तेरा यैन भी संगीतकारों के परिवार से आते थे उनकी माँ बोस्टन में मार्शल आर्ट टीचर होने के अलावा एक सौ हैं जबकि उनके पिता एक वायलिन वादक हैं चौदह छोटी उम्र से ही उनके माता पिता ने उन्हें पियानो सहित संगीत वाद्य यंत्र बजाना सिखाया था पंद्रह सोलह करियर उन्नीस के दशक की शुरुआत फिल्म उद्योग में यैन का पहला कदम तब था जब उन्हें उन्नीस की फिल्म ताइची में अपनी पहली अभिनीत भूमिका मिली ड्रंकन ताइची और टाइगर केज उन्नीस सौ अठासी फिल्माने के बाद येन ने वंस अप ऑन ए टाइम इन चाइना दो उन्नीस सौ बानवे में जनरल नेपलैन के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई जिसमें उनके चरित्र और वोंग फी हंग द्वारा चित्रित के बीच एक लड़ाई का दृश्य शामिल था जेट ली तेरा यन ने उन्नीस सौ तिरानवे में फिल्म आयरन मंकी में मुख्य भूमिका निभाई थी यन और ली दो हजार दो की फिल्म हीरो में फिर से एक साथ दिखाई दिए जहां यन ने एक भाला या कियांग सेनानी की भूमिका निभाई जो ली के चरित्र एक अनाम तलवारबाज से लड़ता था तेरा इस फिल्म को 2003 अकादमी पर रस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था उन्नीस में यन ने एटीवी द्वारा निर्मित टेलीविजन श्रृंखला फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चैन जैन के रूप में अभिनय किया जो उन्नीस में इसी शीर्षक की फिल्म से अनुकूलित है जिसमें ब्रूस ली ने चैन जैन के रूप में अभिनय किया था यन ने बाद में 2010 की फिल्म लीजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चैन जैन में चैन जैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और ली की जगह ली जिन्होंने प्रीक्वल फिल्म फिस्ट ऑफ लीजेंड में चैन जैन के रूप में अभिनय किया था जो उन्नीस में रिलीज हुई थी उन्नीस में यैन ने प्रोडक्शन कंपनी बुलेट फिल्म शुरू की और लीजेंड ऑफ द वुल्फ उन्नीस और बैलिस्टिक केस उन्नीस में अपना निर्देशन डेब्यू किया जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया चौंतीस साल की उम्र में यैन लगभग दिवालिया हो गया उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित और उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई यैन को गुजारा चलाने के लिए ऋण शार्क और उसके उत्पादन दल से पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा 2000 का दशक निर्णायक सफलता 2005 में सियोल में यन यन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका वापस चले गए जहां उन्हें हाईलैंडर एंड गेम 2000 और ब्लेड दो हजार जैसी हॉलीवुड फिल्मों में लड़ाई के दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए आमंत्रित किया गया उनकी कोरियोग्राफी और कौशल ने निर्देशकों को प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें दोनों फिल्मों में अतिथि भूमिका के लिए आमंत्रित किया अठारह दो, दो में ली फ़िल्म हीरो की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने निर्देशक झांग यमो से आग्रह किया कि वह चाहते हैं कि यन की मार्शल आर्ट क्षमता के कारण यैन उनके प्रतिद्वंद्वी स्काई का भूमिका निभाए ली ने व्यक्तिगत रूप से यन को फिल्म में अभिनय करने के लिए हॉलीवुड से वापस आमंत्रित किया ये दस साल पहले उन्नीस में वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना दो के बाद दूसरी बार दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए उन्नीस दो में येन ने वू नाम के प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई शंघाई नाइट्स में जैकी चैन और ओवन विल्सन के खिलाफ चाओ यैन ने 2004 के वीडियो गेम ओनिमुशा तीन में अधिकांश फाइट एनिमेशन को कोरियोग्राफ किया जिसमें अभिनेता ताकेशी कनेशिरो और जीन रेनो थे येन ने दो के दशक में हांगकॉन्ग सिनेमा में सक्रिय रहना जारी रखा सुई हा की वुक्सिया महाकाव्य फिल्म सेवन स्वॉर्ड्स में चू झाउन के रूप में अभिनय किया और 2005 में विल्सन यिप की क्रूर अपराध ड्रामा फिल्म एसपीएल शापो लैंग में माकून के रूप में अभिनय किया दोनों फिल्मों को 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया उस वर्ष बाद में यन ने विल्सन यिप के ड्रैगन टाइगर गेट में निकोलस से और शॉन यू के साथ सह अभिनय किया जो वॉन्ग यूकलोंग की मनहुआ श्रृंखला ओरिएंटल हीरोज का रूपांतरण था यन ने एलेक्स पेटीफर अभिनीत स्टॉम ब्रेकर में एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया य ने विल्सन यिप के साथ फ्लैश प्वाइंट दो में काम करना जारी रखा जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया और फिल्म के लिए निर्माता और एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में काम किया उन्होंने फ्लैश प्वाइंट में अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन हॉर्स फिल्म अवार्ड डज और हांगकांग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता 2008 में यन ने आईपी मैन में अभिनय किया जो ब्रूस ली के विंग विंगच्यून मास्टर आईपी मैन का अर्द्धजीवनी लेख था आईपी मैन ने निर्देशक विल्सन यिप के साथ यन का चौथा सहयोग चिन्हित किया जिसमें उन्हें एसपीएल में अपने सह कलाकारों पो लैंग सैमो हंग और साइमन याम के साथ फिर से जोड़ा गया यैन की प्रमुख भूमिका वाली आईपी मैन अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई जिसने हांगकांग में 25 डॉलर मिलियन और चीन में 100 मिलियन युआन की कमाई की 2021, 2010 का दशक 2012 में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में येन 2010 में आईपी मैन दो रिलीज हुई थी पहली फिल्म की तरह ही इसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया था अगस्त 2011 में जब यन संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर थे तो कथित तौर पर उन्हें निर्माता एवी वी लन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स दो में अभिनय करने का निमंत्रण मिला ये कहा गया था कि येन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे उनके पास कई फिल्में थीं और वो ये तय करने तक इंतज़ार करेंगे कि स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आई या नहीं बाईस बाद में येन ने हांगकांग मीडिया को बताया कि उन्होंने इस भूमिका को स्वीकार कर दिया है तेईस दो में येन ने खुलासा किया कि वह अन्य शैलियों की फिल्मों में कदम रख रहे थे और उन्होंने लगातार दो कॉमेडी भूमिकाएं निभाईं ऑल्सवेल एंडवेल दो हज़ार ग्यारह और ऑल्स वेल एंडजेल दो में और कैरिना लाव के साथ काम करेंगे पहले में और सैंड्रा एंजी बाद में दोनों फिल्मों को आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता मिली और एक अभिनेता के रूप में यैन की बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई यैन ने द मंकी किंग के फिल्मांकन के बाद 2011 की दूसरी छमाही में छह महीने का ब्रेक लिया जहां उन्होंने ली की जगह एक बार फिर शीर्षक चरित्र और मुख्य नायक सनबुकों को चित्रित किया जिसमें फ़िल्म चीनी नववर्ष की अवधि के दौरान रिलीज हुई थी जनवरी 2014 में 24-25 उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और अपने बच्चों के बड़े होने के साथ उनके साथ रहना चाहते हैं 2012 में यन फिल्म उद्योग में लौट आए और स्पेशल आईडी का फिल्मांकन शुरू किया जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई एक अंडकव पुलिसकर्मी और एक्शन कोरियोग्राफर की भूमिका भी निभाई 2013 में ये बताया गया कि यन आइसमैन के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगे जो समय यात्रा पर आधारित एक विज्ञान फाई एक्शन फिल्म है और जिसे तीन डी में फिल्म आया गया था यन ने पुष्टि की कि उपरोक्त दोनों फिल्मों में एमएमए का उपयोग किया जाएगा 26 फरवरी 2013 में विनेस्टीन कंपनी ने पुष्टि की कि उसने क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन सीक्वल के अधिकार खरीदे हैं और मुख्य भूमिका निभाने के लिए यन से संपर्क किया है मार्च 2013 में हांगकांग की पत्रिकाओं में यैन से मिलने और उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए हार्वे और बॉब विंस्टीन की हांगकांग यात्रा की तस्वीरें सामने आईं ये बताया गया कि यैन भूमिका पर विचार कर रहे थे और उन्होंने कहा पहली बात यह है कि इस साल मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है दूसरी बात यह है कि पहली फिल्म पहले से ही इतनी क्लासी कह है मुझे दबाव का डर है कि मूल पार नहीं किया जा सकता 27 मई 2013 में वार्षिक कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान वेन्स्टीन कंपनी ने घोषणा की कि यैन क्राउचिंग टाइगर सीक्वल में साइलेट वुल्फ की मुख्य भूमिका निभाएंगी जिसका शीर्षक क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी है जिसमें प्रमुख महिला एक्शन स्टार भी शामिल होंगी मिशेल योव यूशूलियन के रूप में अपनी भूमिका दोहरा रही हैं और निर्देशक यूएन वू पिंग यैन के गुरु के साथ ये पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपील करने के लिए फिल्म को अंग्रेजी और मंदारिन दोनों भाषाओं में फिल्माया जाएगा अट्ठाइस क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी पता चला कि विनेस्टीन कंपनी ने अकीरा कुरोसावा के सेवन समुराई के अधिकार प्राप्त कर लिए थे एक रीमेक की योजना बना रही थी और यन जॉर्ज क्लूनी और झांग जी के साथ अभिनय करने के लिए बातचीत कर रही थी फिल्म में उनतीस तीस यैन ने आईपी मैन तीन के फिल्मांकन के लिए शेड्यूलिंग विवादों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया यन ने दो में चार फिल्मों और छह विज्ञापनों से दो डॉलर मिलियन अट्ठाईस डॉलर और चालीस सेंट मिलियन कमाए इकतीस मार्च 2015 के अंत में आईपी मैन तीन की घोषणा की गई थी यन ने मुख्य पात्र ब्रूस ली के विंग चुन मास्टर आईपी मैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई सेवानिवृत्त मुक्केबाज और पूर्व हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन को कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई बत्तीस यन ने उल्लेख किया कि वह टायसन का बहुत बड़ा प्रशंसक था उसने उसके कई पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबले देखे और उसके साथ काम करने के लिए उत्साहित था टाइसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह यैन के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने आईपी मैन और आईपी मैन दो प्रत्येक को तीन से अधिक बार देखा है और त्रय की अंतिम किस्त के लिए आमंत्रित किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं तैंतीस आईपी मैन तीन की मुख्य फोटोग्राफी पच्चीस मार्च दो को शुरू हुई और तैयार फिल्म दिसंबर 2015 में एशिया के कुछ हिस्सों और 2016 की शुरुआत में दुनिया भर में आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं के साथ रिलीज की गई फरवरी 2018 में यैन 2016 में यैन ने स्टार वाज एंथोलॉजी फिल्म दुष्ट वन में चिरुट ओम्बे जाटोइची जैसे अंधे क्षणिक योद्धा के रूप में सह अभिनय किया चौंतीस बारह फरवरी दो को ये पुष्टि की गई कि यैन एक बार फिर आगामी एक्शन फिल्म एक्सएक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज 2010 में लीजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चेन जेन के बाद में जियांग के रूप में तीसरी बार ली की जगह लेंगे 2014 में द मंकी किंग पैंतीस छत्तीस गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता थ्री सेवन थ्री एट एक्स 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 रिटर्न ऑफ जेंडर केज के प्रचार के लिए पैरामाउंट ने चीन और एशिया के अधिकांश हिस्स सो में यैन पर विपणन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया और उसे सबसे आगे रखा विन डीजल के आगे फिल्म के पोस्टर लगाए गए और लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर फिल्म में यैन के प्रदर्शन की क्लिप और समीक्षाएं साझा की गईं उनतालीस पैरामाउंट के प्रयासों ने चीन में बहुत अच्छा काम किया फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में इकसठ मिलियन डॉलर के साथ नंबर एक थी चालीस और केवल छह दिनों में सौ मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गई जिसमें अकेले वेलेंटाइन डे से बाईस दो मिलियन डॉलर की कमाई हुई चीनी सोशल मीडिया पर यैन के प्रदर्शन की प्रशंसा करने वाली समीक्षाओं के बाद जिसने फिल्म देखने वालों को आकर्षित किया सिनेमा इकतालीस बयालीस रॉग वन और एक्सएक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज दोनों में यैन के प्रदर्शन को आलोचकों और आम दर्शकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली एक्सएक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज के लिए वैरायटी लॉस एंजल्स टाइम्स स्क्रीन एनआरकी और बुडोमेट सहित कई मीडिया साइटों ने यान के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें फिल्म का मुख्य आकर्षण और उनके हर दृश्य को चुराने का श्रेय दिया तैंतालीस चौवालीस दुष्टवन के मामले में आलोचकों की प्रशंसा के अलावा यैन के प्रदर्शन को दुनिया भर के दर्शकों द्वारा भी सराहा गया स्टार वार्ज वेब पेज पर एक आधिकारिक सर्वेक्षण में जिसमें 40,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया यैन के चरित्र चिरुत इम्वे को दर्शकों के पसंदीदा दुष्ट वन चरित्र के रूप में वोट दिया गया पैंतालीस जब यैन कनाडा में एक्सएक्स एक्स रिटर्न ऑफ जैंडर केज का फिल्मांकन कर रहे थे तब उन्हें हॉलीवुड स्टूडियो और निर्देशकों से कई प्रस्ताव मिले उसी समय हांगकांग के निर्देशक वांग जिंग यन को अपनी फिल्म चेजिंग द ड्रैगन में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कनाडा गए जो पुरस्कार विजेता फिल्म टू बी नंबर वन की रीमेक थी यैन ने अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सीमित लड़ाई वाले दृश्यों और एंडी लाओ के साथ काम करने के अवसर के साथ एक खलनायक की गैर पारंपरिक भूमिका निभाई सितंबर 2017 में चेज़ गद ड्रैगन को आलोचकों से बेहद सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था जिसमें एक अभिनेता के रूप में यन की बहुमुखी प्रतिभा और फिल्म के मुख्य किरदार दिवंगत एनजी सेक के उनके अविश्वसनीय चित्रण का हवाला दिया गया था छियालीस चेजिंग द ड्रैगन भी एशिया के अधिकांश हिस्सों में दर्शकों के बीच बहुत हिट रही हांगकांग में चेजिंग द ड्रैगन को 2017 में शीर्ष पांच हांगकांग फिल्मों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है सैतालीस 2017 में यन को ली और अलीबाबा के सीईओ जैक मा से भविष्य में ओलंपिक खेल के रूप में ताइची के एक नए रूप को बढ़ावा देने के लिए गोंग शो दाओ नामक एक लघु मार्शल आर्ट फिल्म पर संभावित सहयोग के बारे में फोन आया अड़तालीस यन अपनी सालगिरह मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर थे लेकिन उन्होंने फिल्म में हिस्सा लेने की अपनी योजना रद्द कर दी यन ने जीएसडी के लिए इस भागीदारी के लिए किसी भी वेतन से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोस्ती को पैसे से नहीं मापा जाता है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी भा गीदारी दुनिया भर के दर्शकों के लिए चीनी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है बदले में ली और मां ने सेट पर उनकी शादी की सालगिरह मनाने में मदद करके यन और उनकी पत्नी सिसी को आश्चर्यचकित कर दिया संपूर्ण जीएसडी 20 मिनट की लघु फिल्म 11 नवंबर चीन के एकल दिवस पर रिलीज हुई थी जो यूकू और ली के आधिकारिक फेसबुक पेज पर शुरू हुई और दुनिया भर में कुल 100 मिलियन से अधिक बार देखी गई उनचास गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता चीन में नेटिजेंस ने फिल्म में यैन की गति और तकनीक की प्रशंसा की अधिकांश दर्शकों एक शून्य 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 से अधिक ने लघु फिल्म के मुख्य आकर्षण के रूप में यैन को वोट दिया पचास दो के अंत में यैन ने बिग ब्रदर का फिल्मांकन शुरू किया जो एक मिश्रित मार्शल आर्ट फिल्म है जहां येन अपरंपरागत तरीकों और एक अंधेरे अतीत के साथ एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाता है इक्यावन 2017 में वीडियो गेम स्लीपिंग डॉग्स के एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी जिसमें येन ने मुख्य किरदार वे शेन की भूमिका निभाई थी बावन फरवरी 2018 में येन ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म के निर्माण जारी रहने की पुष्टि की तिरपन 2019 में येन ने आईपी मैन चार द फिनाले में आखिरी बार आईपी मैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई उस वर्ष के हांगकांग विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यन सह कलाकार डैनी चैन और निर्माता रेमंड वांग के बीजिंग समर्थक रुख का हवाला देते हुए फिल्म के बहिष्क रा का आग्रह किया चावन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इसने अपने बजट बावन डॉलर मिलियन से तीन गुना अधिक कमाई की पचपन छप्पन और मलेशिया में सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई पांच वर्षों में उत्तरी अमेरिका में चीनी फिल्म तावन अट्ठावन दो मार्च 2020 में डिज्नी के मुलान के लाइव एक्शन रीमेक के लिए प्रेस टूर के हिस्से के रूप में जब यन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो एक सुपरहीरो फिल्म में अभिनय करने में रुचि रखते हैं तो यन ने खुलासा किया कि उन्हें वॉनर ब्रदर्स की जस्टिस में एक भूमिका की पेशकश की गई थी जैक स्नाइडर की लीग और एक्वामैन फिल्म में लेकिन शेड्यूलिंग टकराव के कारण इसे ठुकरा दिया गया प्रस्तावित भूमिका नुइडिस वुल्कों की थी जो अंततः विलियम डेफो के पास चली गई उनसठ यैन जॉन विक चैप्टर चार के कलाकारों में शामिल हो गए जब मार्च 2023 में रिलीज हुई थी यैन और फिल्म दोनों को आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली कई लोगों ने यैन को फिल्म का मुख्य आकर्षण और उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना उसका करियर साठ मार्शल आर्ट का इतिहास शैली और दर्शन यैन ने ताइची बॉक्सिंग किकबॉक्सिंग कुंडो हैपकीडो मिश्रित मार्शल आर्ट ताइकवाडो कराटे मैथाई कुश्ती ब्राजीलियाई जीव जित्सू हंगा में पारंगत होने के कारण मार्शल आर्ट की एक श्रृंखला में कौशल प्रदर्शित किया है सांडा जूडो शाउलिन कुफू वुडांगवान विंगचुन और वुशु इकसठ यन खुद को मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बताते हैं चार उन्होंने अपनी मां के संरक्षण में छोटी उम्र से ही शाओलिन कुफू और वुडांगवान सीखा बासठ तिरसठ किशोरावस्था में वो ताइकवाडो सीखना चाहते थे इस प्रक्रिया में उन्होंने छठा डैन अर्जित किया उस समय बीजिंग वुशु टीम के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्काउट था और उन्होंने येन को बीजिंग चीन में आमंत्रित किया जहां उन्होंने बीजिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण शुरू किया वही सुविधा जहां चैंपियन से अभिनेता बने जेट ली ने प्रशिक्षण लिया था यहीं पर उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर यन ने विभिन्न वुशु प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते चौंसठ यैन बाद में अन्य मार्शल आर्ट शैलियों की खोज और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े बाद में उन्होंने क्रमशः जूडो और ब्राजीलियाई जियू जित्सू से काले और बैंगनी बेल्ट प्राप्त किए और विभिन्न प्रशिक्षकों के तहत पाकौर कुश्ती माएथाई किकबॉक्सिंग और बॉक्सिंग का अध्ययन किया जब वो 2000 से 2003 तक संयुक्त राज्य अमेरिका वापस गए तो लड़ाकू खेल मिश्रित मार्शल आर्ट एमएमए के प्रति उनका अनुभव बढ़ गया हॉलीवुड में पदार्पण के दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों को सीखने के लिए भी समय निकाला पैंसठ छियासठ यन की प्रगति तब स्पष्ट हुई जब वह एशिया लौटे जहां उन्होंने एमएमए के अपने नए ज्ञान को लागू किया जिसे एसपीएल शापोलैंग 2005, हज़ार 2007 दो हज़ार और स्पेशल आईडी 2013 जैसी फिल्मों में प्रदर्शित किया गया 2007 के अंत में येन ने अपने शस्त्रागार में एक नई मार्शल आर्ट प्रणाली जोड़ी उन्हें 2008 में ग्रैंड मास्टर के नाम पर बनी फिल्म में विंग ग्रैंड मास्टर और फिल्म स्टार ब्रूस ली के गुरु आईपी मैन की भूमिका की पेशकश की गई थी उन्होंने कड़ी मेहनत की और भूमिका निभाने से पहले नौ महीने तक आईपी मैन के सबसे बड़े बेटे आईपी चुन के तहत विंग चुन का अध्ययन किया सड़सठ आईपी चुन ने यैन के प्रयास एक मार्शल कलाकार के रूप में उनके कौशल और उनके द्वारा सिखाए गए किसी भी अन्य की तुलना में विंग विंगचुन की पूरी अवधारणा को बुक सीरीज Co written by Reeves, was published in three volumes starting in March 2021 and concluding in October 2023. 199 Issue 1 sold over 615,000 copies, making it the top selling single issue since Star Wars 1 in 2015. 200 201 The series received positive reviews, with Volume 1 gaining an average review score of 8.5 or 10 from 20 critics. Volume two gaining an average review score 8.1 or 10 from 15 critics, and Volume three gaining an average review score of 7, 6 or 10 from 13 critics at review aggregator website Comic Book Roundup. 202, 203, 204 A film adaptation, written by Mattson Tomlin and produced by and starring Reeves, is in development for Netflix, with Reeves open to the possibility of directing. 205, 206 After the release of the film a two-season anime series produced by Production I.G. is planned to follow, with Reeves reprising his voice role as B-207 in July and November 2023, Boom! Studios published a two one-shot spin-off comics of B-R-Z-R-K are both co-written by Reeves, titled Poetry of Madness, 2023, and Fallen Empire, 2023, respectively. 208-209 in the years following Reeves' band Dogstar's final performance in 2002, he and the other members occasionally met up for jam sessions at drummer Robert Mailhouse's home in Silver Lake. The beginning of the COVID 19 pandemic in March 2020 led Reeves and the other members to spend more time playing together in quarantine, gradually leading into actual recording sessions, with the band eventually enlisting producer Dave Trumfio to help them turn the material into an album. 210 in July 2022. A post on Dogstar's Instagram account declared, We're back. 210 In May 2023, the band gave its first public performance in over 20 years at the Bottle Rock Napa Valley Music Festival. 211 Two months later, the band released the single Everything Turns Around in support of their then upcoming third album, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, released on October 6, 2023 reeves and the band embarked on a 25-date tour in north america and japan in support of the album beginning august 10 in hermosa beach california 212 213 214 reeves appeared as the featured guest for the season 6 premiere episode of ride with norman reedus 2023 titled the utah desert with keanu reeves 215 later that year he appeared as the host for an executive-produced the four-part documentary series brawn the Impossible Formula One Story for Hulu and Disney Plus. 216. In January 2024, Reeves announced that he was co-authoring a new book with speculative fiction writer China M. I. Ville titled The Book of Elsewhere. The book takes place in the same universe as Reeves's comic book series BRZRKR, and is set for release in July 2024 by Del Re Books and Boom. Studios 217 the second volume of the bloodline series titled a face full of bullets was revealed with jason aaron writing and art by francesco mena it will be a standalone western story for the series and is set for release in june 2024 218 219 in 2023 reeves was cast alongside seth rogen and aziz ansari in the latter's directorial debut good fortune 220 The project began filming in January 2024, with Keek Palmer revealing on her Instagram page that she had joined Reeves as part of the cast that same month. 221 Reeves was cast in Jonah Hill's upcoming black comedy film Outcome in 2023 for Apple TV Plus's Reef, with filming set to begin in March 2024. 222 223 At that point, Cameron Diaz had entered advanced talks to star opposite Reeves in the film. 224 days later, Diaz was confirmed to have signed on to join the cast, with Matt Bomber joining Reeves in another undisclosed role. 225 filming commenced on March 20, 2024, making the film the first time that Diaz and Reeves will appear in a film together since Feeling Minnesota, 1996, 226, 227, 228. In the 2025 John Wick spin-off film Ballerina, Reeves is set to reprise his role as the franchise's titular character. 229 230 A fifth sequel to John Wick was planned by distributor Lionsgate. 231 232 But franchise director Chad Stahelski said he would like to give the franchise a rest for the time being. 233 Personal life. In 1998, Reeves met director David Lynch's assistant Jennifer Syme at a party thrown for his band dog star, and they started dating. 234 On December 24, 1999, Syme gave birth eight months into her pregnancy to the couple's child, who was stillborn. The couple broke up several weeks afterward, but later reconciled. 235 On April 2, 2001, Syme was killed when her vehicle collided with three parked cars on Kawenga Boulevard in Los Angeles. Syme was impaired, and also not belted in. 236-237 Reeves told investigators that they were back together, 235 and had had brunch together in San Francisco the day before the accident. 236 Reeves acted as a pallbearer for Syme, 236 who was buried next to their daughter. 238. He was scheduled to film the sequels to The Matrix the following spring, but sought peace and time, according to friend Brett Domrose of Dog Star. 236. Reeves has also been romantically linked to longtime friend and filmmaker Brenda Davis, to whose child he is Godfather. 239-240-241, and model actress China Chow. 242-243 in 2009. Reeves met Alexandra Grant at a dinner party. They went on to collaborate on two books together. Two hundred forty-four, two hundred forty-five. They went public with their relationship in November two thousand nineteen. Three one two hundred forty-six. Reeves is discreet about his spiritual beliefs, saying that it is something personal and private. Two hundred forty-seven. When asked if he was a spiritual person, he said that he believes in God, faith, inner faith, the self. Passion, and things, and that he is very spiritual. 248 Although he does not formally practice Buddhism, the religion has left a strong impression on him, especially after filming Little Buddha. 63 He said, Most of the things I've come away with from Buddhism have been human understanding, feelings, impermanence, and trying to understand other people and where they are coming from. 63 when asked on the late show with Stephen Colbert in 2019 about his views on what happens after death, Reeves replied, I know that the ones who love us will miss us. 249. In 2023, the lipopeptide chianumicin, a substance deadly to fungi, was named in honor of Reeves. 250. Business and Philanthropy Mural of Reeves in Santiago de Chile reeves supports several charities and causes in response to his sister's battle with leukemia he founded a private cancer foundation which aids children's hospitals and provides cancer research 251 252 in june 2020 he volunteered for camp rainbow gold an idaho children's cancer charity 253 reeves was also recognized as one of the 100 influential celebrities in oncology by onco daily 250 for Reeves has said money is the last thing i think about i could live on what i have already made for the next few centuries 255 it was rumored that reeves gave away a substantial portion estimated to be $35, 125 million dollars of his earnings from the matrix to the special effects and makeup crews however this has been significantly embellished reeves negotiated a smaller deal Relinquishing his contractual right to a percentage of the sequel’s profits in exchange for a more extensive special effects budget. 256-257 After filming John Wick, Chapter 4, Reeves, Chad Stahelski and Brazilian jiu-jitsu instructor Dave Camarillo, signed an exclusive training uniform that was put up for auction in March 2023 to raise money for St Jude Children’s Research Hospital. 258. Reeves co-founded a production company, Company Films, with friend Stephen Hamill. 259 in 2011, Reeves, an avid motorcyclist, co-founded ARCH Motorcycle Company, which builds and sells custom motorcycles, with Gard Hollinger. 260-261 in 2017, Reeves, Jessica Fleischman, and Alexandra Grant founded book publisher, X-Artists Books, also known as XAB. 262-240 for he has written two books, Ode to Happiness and Shadows, both of which are collaborations with Grant. He provided the text to her photographs and art. 263. Censorship. In 2022, Reeves's recitation of the beat poem Pull My Daisy for a virtual benefit concert for Tibet House US, a non-profit organization affiliated with the exiled Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, angered Chinese nationalists. 264 265 266 Reeves's films have been banned from streaming platforms in China such as iQiyi, Tencent Video, and Yuku. 267 268. In the media, Reeves star on the Hollywood Walk of Fame. Reeves star on the Hollywood Walk of Fame. In a 2005 article for Time magazine, Lev Grossman called Reeves Hollywood's ultimate introvert. 269 He has been described as a worker charming and excruciatingly shy. During the production of Constantine, director Francis Lawrence commented on his personality, calling him hardworking and generous. His co-star Sheila Buff said, I've worked with him for a year and a couple of months, but I don't really know him that much. 269 Erwin Storff of Three Arts Entertainment has served as Reeves's agent and manager since he was 16. And produced many of his films. Storff said Reeves is a really private person and keeps his distance from other people. 269-270. In 2010, an image of Reeves became an internet meme after photographs of him were published, sitting on a park bench with a sad facial expression. The images were posted on the 4chan discussion board and were soon distributed via several blogs and media outlets, leading to the sad Kiana meme being spread on the internet. An unofficial holiday was created when a Facebook fan page declared June 15 as Cheer Up Kiana Day. 245-271 He would later downplay the photo, saying, Man, I was eating a sandwich. I was thinking I had some stuff going on. I was hungry. 272. Reeves's casual persona and ability to establish rapport have been observed by the public. Leading him to be dubbed the Internet's boyfriend. 273-274-275 In 2019, Vox cited Reeves's unorthodox filmography and ability to appeal to nerd culture as the primary reasons for his Internet popularity. 276 While filming Bill and Ted face the music in July 2019, Reeves and other cast members came across a house with a banner reading Your Breathtaking in Mini Keanu. Two memes that had come out of Reeves's appearance at the Electronic Entertainment Expo 2019 for the game Cyberpunk 2077. Reeves took time to sign the banner and talk to the family. 277. Reeves appeared on Forbes' annual Celebrity 100 list in 2001 and 2002, at number 36 and 49, respectively. 278 279 in 2005. Reeves received a star on the Hollywood Walk of Fame for his contributions to the motion picture industry. 280 In 2016, The Hollywood Reporter calculated that Reeves had earned $250 million for the Matrix franchise, making him one of the highest paid actors. 281 In 2020, The New York Times ranked him at number 4 on its list of the 25 greatest actors of the 21st century. 282 Filmography and awards. Main articles: Kiana Reeves' filmography and awards and nominations. Prolific in films since 1985, Reeves's most acclaimed and highest-grossing films, according to the review aggregate site Rotten Tomatoes, include *Rivers Edge* (1987), *Bill and Ted's Excellent Adventure* (1989), *My Own Private Idaho* (1991). Much ado about nothing, 1993, Speed, 1994, The Matrix, 1900. 99, John Wick, 2014, John Wick, Chapter 2, 2017, John Wick, Chapter 3, Parabellum, 2019, and Toy Story 4, 2019. 283 Reeves has won for MTV Movie Awards. 51 284 285 and received two Best Actor nominations at the Saturn Awards. 286 He was nominated twice for a People's Choice Award, Favorite Male Movie Star and Favorite Action Movie Star, for his performance in John Wick, Chapter 3 Parabellum, 2019 287. In September 2021, Taekwondo Life magazine deemed Reeves the one martial arts movie star in the world based upon his multiple films in the genre, their popularity, and sheer box office gross. 288. Bibliography Charles F. Stahalski, born September 20, 1968, is an American stuntman and filmmaker. He is considered a highly influential figure in the action film genre. One, he first achieved prominence as a stunt performer and coordinator, notably as the key stunt double for Keanu Reeves on The Matrix, 1999, and as the martial arts stunt coordinator on its first two sequels. He subsequently directed the 2014 film John Wick, starring Reeves, and its three sequels. Biography Martial Arts Training Stahalski was born in Palmer, Massachusetts, to Gary and Kathleen Stahelski, and e. Diamond, in 1968. He began training in martial arts from a young age. Two, he studied Jeet Kune Do under Dan Inosanto, and for a time was an instructor at Inosanto's school in Los Angeles. Three, prior to his motion picture career, Stahalski competed in kickboxing and mixed martial arts. 3. He was one of the earliest American competitors in Shuto. He fought Monobu Yamada in a 1993 Shuto event, losing in the first round from a Nebar submission. 4. Stahelski is an alumnus of the University of Southern California. 5. Stuntman, 1993-2013. Stahelski worked on the 1994 film The Crow. Stahelski and fellow stuntman Jeff Cadian served as stunt doubles for the actor Brandon Lee. On March 31, 1993, while filming, Lee was accidentally wounded on set by defective blank ammunition and later died in hospital during surgery. Six Stahelski completed the remaining filming in place of Lee, and special effects were used to superimpose Lee's face onto Stahelski. Seven. In 1997. Stahelski co founded action design company 8711 with David Leach. 3 8 The company has since split between an action design company and a production company, 87 North Productions. He worked as a stunt double for his future John Wick star Keanu Reeves in the Matrix franchise, and later served as a stunt coordinator for the films. 9 Stahelski states that his experience working with martial arts choreographer Yuan Wuping heavily influenced his own approach to stunts. 1 in 2009 stahelski was second unit director and stunt coordinator on ninja assassin along with david Leach, produced by matrix directors the wachowskis 10 in 2012 on the set of the film the expendables 2 for which stahelski served as stunt coordinator stuntman kun liu was killed by an explosion on set liu's family suits stahelski following the accident 11 director 2014 present. In 2014, Stahelski co-directed the action thriller film John Wick along with Leach, based on the screenplay by Derek Kolstad. The film starred Keanu Reeves and Michael Nyqvist, and was released on October 24, 2014 by Summit Entertainment, grossing over $88 million. 1213 Stahelski acted as sole director for the film's 2017 sequel, John Wick, Chapter 2. 14 and again for the third film john wick chapter 3 parabellum 2019 and fourth film john wick chapter 4 2023 15 16 17 18 he also served as the second unit director for the reshoots of birds of prey 19 in 2021 stahelski returned to the matrix franchise for its fourth installment the matrix resurrections making a cameo appearance as trinity's husband 20. Upcoming. In March 2023, Stahelski clarified that a remake of Highlander 21, as well as adaptations of Rainbow Six, Ghost of Tsushima, 22 Black Samurai for Netflix, and Shibumi 23 for Warner Brothers were the projects he was currently developing to produce and direct. 24. Other projects he has been attached to in the past include Analog, and Adaptations of Kill or Be Killed, and Sandman Slim. 25, 26, 27, 28. In February 2024, Lionsgate appointed Stahelski to oversee the John Wick and Highlander franchises. Stahelski will have creative oversight across film, TV, and all multimedia platforms. 29. Personal Life Stahelski was married to fellow stunt performer Heidi Moneymaker, but they divorced in 2018. 30.

साथ ही साथ 170 मिनट टोटल मूवी की लेंथ थी मूवी का बजट लगभग 100 मिलियन डॉलर्स का था और उसने जो नेट कलेक्शन दिया 440.1 मिलियन का कलेक्शन दिया जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था और अब आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो प्राइम वीडियो ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं और कुछ कंट्री में आप इसे एप्पल टी पर भी देख पाओगे तो दोस्तों इसके जो फिफ्थ चैप्टर के बारे में जो अपडेट थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ फोर्थ उसकी कलेक्शन के बारे में भी सारे कुछ जानकारी के तरह से आपको बता चुका हूँ तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाल दबा के लीजिएगा आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में